गुड मॉर्निंग दर्द क्लास, मैं आपकी फिजिक्स की टीचर हूँ। मेरा नाम है शीतल शर्मा। ठीक है, आज से हम लोग फिजिक्स को स्टडी करेंगे। फिजिक्स में जो वेरी फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं अभी करंटली, वो कौन सा बच्चा, वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, कि लाइट क्या होती है, लाइट के सर्टेन फिनोमिनाज को आज हम लोग स्टडी करेंगे। मेनली जो आपकी फिजिक्स है उसमें आपकी लाइट का चैप्टर कवर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कवर होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड आवर एनवायरनमेंट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के कवर होते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का टॉपिक भी कवर होता है। लेकिन एज आपको पता है कि CBSE ने क्या कर दिया, आपका 30% सिलेबस डिडक्ट कर दिया है। सो उसके अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर अब हम लोग कवर करने वाले हैं, मेजर पार्ट्स, ठीक है, जिसमें आपके सिलेबस का मेजर पार्ट कवर होगा, जो सो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वेरी फर्स्ट, इसमें से आप लोगों का सिलेबस का 40% पार्ट कवर होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन जो अब आप लोगों के सिलेबस में आने वाला है वो लाइट वाले चैप्टर का होगा। यही रीज़न है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को यही टॉपिक कवर करवा रही हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेजर पार्ट है, सेकंड मेजर पार्ट है जो आपके सिलेबस में आपका फिजिक्स का सिलेबस बच्चा इन्वॉल्व है, वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और फिर इसके बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें नंबर ऑफ जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट आप लोगों के डिलीट हो चुके हैं, तो बहुत कम सिलेबस रह गया उसमें, वो ऑलमोस्ट 1 or 2 days का आपका सिलेबस है तो जो सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है। ठीक है, इसी तरह से बात करें अनदर दो चैप्टर्स की, उनमें भी मेजर पार्ट डिडक्ट हो चुका है और आपका जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का जो चैप्टर था बेटा, वो पूरा का पूरा ही डिलीट हो चुका है। ठीक है, सो आप लोगों का अगर इलेक्ट्रिसिटी और लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो ये मान के चलिए आपके फिजिक्स का 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जो साइंस का पेपर आता है उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन होता है बच्चा, वो 20 marks का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतने डिस्क्रिप्शन के बाद थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही लाइट है, तो लाइट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइट? देखो, लाइट क्या होती है, जिसके कारण हम देख सकते हैं, जो जिसके कारण हम हमारे सराउंडिंग को देखने के लिए, व्यू करने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, अगर रूम में मान लिया अपनी क्लास रूम में कंप्लीट डार्कनेस कर दी जाए, ठीक है, कंप्लीट डार्क कर दिया जाए और आपको कहे कि अब किसी ऑब्जेक्ट्स को देखो, तो आप लोग कैपेबल ही नहीं है उसे व्यू करने के लिए। सो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने के लिए, हमारे सराउंडिंग में व्यू करने के लिए, देखने के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइट। ठीक है, सो लाइट की डेफिनेशन क्या बनी बच्चा, इट इज समथिंग विच एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। लाइट कुछ ऐसी चीज है जो हमें कैपेबल बनाती है ताकि हम क्या कर सके, हमारे सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको व्यू कर सके। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन की बात आई, अब इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो कैसे होता है बेटा, कि देखो ये मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइट सबसे पहले क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ये लाइट है हमारी। ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे एंटर करेगी, हमारी आईज में एंटर करेगी। तो ये फिनोमिना है, इस ये जो फिनोमिना जिससे हम लाइट के कारण देख पा रहे हैं, ये तो लाइट की भाई लाइट की पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी ना, कि लाइट क्या कर रही है, वो ऑब्जेक्ट्स को, हमारे सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स को हमें व्यू करवा रही है, हमें सी करवा रही है, लेकिन हम देख कैसे रहे हैं। फिजिक्स में तो भाई ये भी फिनोमिना भी आता है, तो फिजिक्स के हिसाब से क्या हुआ, सबसे पहले लाइट है ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़े, फिर वो ही लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे एंटर कर गई, बेटा हमारी आईज में एंटर कर गई। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके कारण लाइट की हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को व्यू कर सकते हैं। अब मन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि जो लाइट है ना वो हमेशा ट्रेवल करती है, देखो रेक्टिलिनियर मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट कभी भी कह सकते हैं कि जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन को ट्रैवल नहीं करती है, लाइट हमेशा एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करती है, प्रोपोगेट करती है। मेनली हम लोग लाइट के लिए ट्रैवल वर्ड कम, प्रोपोगेट वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो रीज़न है आप लोगों को हायर क्लासेस में पता चलेगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि जो लाइट है उसका वेव नेचर भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा फिनोमिना है लाइट का बेटा, जिसको हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना कौन कौन से हैं, वेरी फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन, जिसको हमने अभी यहाँ पे बताया था, जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट को व्यू करने का जो प्रोसेस था उसमें कहा था कि लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों ने 6th class 7th class में भी पढ़ रखा है।
साइंस में पढ़ रखा है बच्चा आपने, सिक्स और सेवन क्लास में भी रेगुलर रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो फिनोमिना लाइट के कौन से हम स्टडी करने वाले, एक तो रिफ्लेक्शन का एंड सेकेंड वन इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो बेटा अब रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक सरफेस ले लिया, एक ऐसा सरफेस जैसे आप लोग मान सकते हैं कि ये हमारा मिरर भी हो सकता है, ठीक है। मिरर कैसा होता है, लोगों के घरों में भी मिरर होगा, आपने देखा होगा। इसका फ्रंट सरफेस तो क्या हो, वेल पॉलिश्ड हो, और बैक सरफेस क्या होता है, उसका ओपेक होता है। तो ऐसा ही हमने एक मटेरियल लिया है, मान लेते हैं मिरर है, ठीक है। इसका जो बैक सरफेस है वो ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है, जो अपने में से लाइट को पास ना होने दे, ठीक है। और जिसका फ्रंट सरफेस है बच्चा, वो कैसा सरफेस है, वो एक पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश और हाईली पॉलिश भी बोल सकते हैं आप, हाईली पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। हमें पता है हमारी लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो लाइट को हमने जब इंसिडेंट करवाया, तो इस लाइट को क्या नाम देंगे बच्चा हम लोग, इसको नाम देंगे हमारी इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट लाइट है जो इंसिडेंट कर गई, मान लेते हैं पॉइंट ओ पे, ये पॉइंट ओ है जिसपे वो मिरर के हाईली पॉलिश और रिफ्लेक्टिव सरफेस पे इंसिडेंट हुई है, ठीक है। अब देखिए ये जो नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट ने जो एंगल बनाया उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट लाइट आई, उसने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। अब देखिए ये लाइट इसके सरफेस पे पड़ी है, हमें पता है हमें ऑब्जेक्ट कब दिखते हैं, मैंने आपको भी बताया था, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सरफेस कोई भी सरफेस है उस पर जैसे लाइट फॉल डाउन हो रही है, लाइट फॉल डाउन है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो सर ऑब्जेक्ट में से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि अपोजिट पाथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइट का वापस चला जाना, ठीक है। अब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल देखे बेटा, तो 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, यहाँ से मैं कहूँ लाइट यहाँ पर चली गई, तो देखिए टोटल कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल। सो लाइट क्या हो गई, इंसिडेंट हुई, और 90 डिग्री के एंगल पे वो क्या चले गई, बैक चले गई, वापस चले गई, ठीक है, कि सरफेस से टकराई और वापस चले गई, ठीक है, अनदर डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए डायरेक्शन में चले गई। तो इससे क्या कहेंगे, लाइट को, ये जो लाइट है इस लाइट को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट। यहाँ पे लाइट क्या हो गई, हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। सो ये जो एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट किसके साथ बेटा, अगेन नॉर्मल के साथ, ये जो एंगल बना है, ठीक है, ये जो एंगल बनाया रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ, इसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, ठीक है। जो लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, पॉलिश सरफेस पे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हुई, उसके बाद वो लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और इस फिनोमिना जब वो राइट एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो कंक्लूजन से दैट द रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच द लाइट व्हेन फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्ट्स एट राइट एंगल, कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट्स एट राइट एंगल। ध्यान से देखना, आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा है पॉइंट 90 डिग्री पे, बट 90 डिग्री पर ही होती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट्स एट राइट एंगल, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट से राइट एंगल की डायरेक्शन पे क्या हो जाए, वो रिफ्लेक्ट हो जाए। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब लाइट किसी भी पॉलिश सर्फेस पे इंसिडेंट हुई 90 डिग्री पर, इंसिडेंट्स रे इंसिडेंट लाइट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेटा मेनली टू लॉज होते हैं, इंपॉर्टेंट लॉ, एग्जाम्स में कई बार डायरेक्ट भी आते हैं, राइट डाउन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मे बी डेफिनेशन पूछ ले विद डायग्राम, मे बी लॉज पूछ ले, ठीक है। तो अब की बार ज्यादा से ज्यादा पोर्शन इसके कवर होगा एग्जाम्स में, तो इसको डिटेल में पढ़ के चले इस चैप्टर को, ठीक है, कुछ भी चीज छोड़े ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेटा जो लॉ है कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट होती है, ये वाली इंसिडेंट लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट, और जो हमारा ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल, ये सारे के सारे किस में लाई करती हैं, सेम प्लेन में, लाइज इन द सेम प्लेन, ये सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे। और जो सेकेंड
लो कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ये रिफ्लेक्शन का। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और भी, ठीक है, जो आपकी बुक में नहीं दे रखी है, कि जब भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है वो हमेशा सेम मीडियम में ही अक्कर होता है, या तो वो रेयर मीडियम होगा या फिर वो डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, एक बार इस चीज को ध्यान से देख लें, क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑलवेज अकर्स इन वन मीडियम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रेयर मीडियम ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये आप कहोगे मैम ये रेयर मीडियम क्या होता है, ये डेंसर मीडियम क्या होता है, तो इन टॉपिक्स के साथ मैं आपको आज छोड़े जा रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तब हम लोग रेयर डेंसर को भी ब्रीफ में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, लाइट एंड इसके सम फिनोमिनास। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।